नमस्कार दोस्तों, हमने आज से 3 रोज पहले ये खबर दिखाया था खैसा जमालपुर का, जो मामला में बताया गया था, जो आज 6 तारीख था, आज तारीख था और तारीख में SDO साहब के कोर्ट में जो तारीख था उस तारीख में क्या हुआ, और इसमें एक नया मोड़ आ गया। जो समीर भाई है इनके साथ एक और पार्टनर इनका है जो जमीन लिया था, इनका तो कुछ कम है, उनका कुछ ज़्यादा जमीन है, तो उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे जो क्या तकलीफ। लेकिन उससे पहले समीर भाई से जानना ये जरूरी है, क्या हुआ समीर भाई उस रोज जो ये हुआ था, आपका तारीख था ना, 6 तारीख था, क्या हुआ, तारीख में क्या जवाब दिया गया? तारीख में अभी 13 तारीख की फिर से दोबारा तारीख दी है जी, और उसको भी बोला है कि भाई अपना जो भी पेपर है जमा कीजिए, और हमको भी बोला है कि जो भी पेपर है वो जमा कीजिए। तो आज कोर्ट हुआ था, कोर्ट में एक्स पार्टी भी आया था। हाँ, एक्स पार्टी भी आया था, तो उससे जो है पेपर सारा मांगा गया। हाँ। और पेपर बोला है 13 तारीख को जमा करने के लिए। तो क्या विश्वास और उम्मीद लग रहा है आपको, जो आपको निष्पक्ष भावना से फैसला होगा? कुछ भी पेपर नहीं है, जो भी पेपर अभी दिखा रहा है लोग को सारा फर्जी है, क्योंकि मामला क्या है जो फर्जी पेपर दिखा रहा है, क्योंकि जो आदमी से उसने जमीन लिखाया है उसके नाम से ना खतियान है ना कुछ भी है। मतलब उसने जिस आदमी से जमीन लिया, हाँ। वो साहू जी ने, वो जमीन जो है वो गलत आदमी से लिया, गलत आदमी से उसके नाम से कोई खतियान नहीं है, कोई पेपर नहीं है। अच्छा, तो फिर आप जब केस किए हैं तो उसमें उनसे सबूत मांगा गया है? केस हमने किए, केस ने CO साहब के ऑर्डर से हुआ है, CO साहब का ऑर्डर से हुआ है, तो उसमें जो है पेपर मांगा गया, उसने आज पेपर नहीं दिया, अगले तारीख का टाइम लिया है। आइए, इनमें समीर भाई के साथ एक और उनका पार्टनर है, आइए सर आप आ जाइए इधर, इनसे बात करेंगे जो क्या है आखिर। रुकिए, हम लगा देते हैं इसको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़ाद। क्या ये मामला है आपका, जमीन का मामला, क्या जमीनी मामला है वो? सर मामला ये है कि हमारे पिताजी उस जमीन को पहले ही 3 कट्ठा लिखवा चुके थे, उसी जमीन पे घर बना हुआ है, और उसके बाद वो जमीन जो हमने जो लिया था, हमारे पिता ने जो लिए थे जमीन, मकसूद अली के लड़का सकूर से लिया गया था, सकूर ने लिखा था, उस जमीन पे हमने घर बनाया, उसी पे जो है हम लोग रहते हैं। उसके बाद जो है ये कमेश्वर जी जो है आगे से वो बना रखे हैं, अब उनको कमेश्वर जी को जो है वो भी ज़मीन जो है वो ले रखे हैं वहीं पर। उसके बाद जो है हमको मालूम चला कि उसमें जो है खाता खुल गया, मालूम चलने के बाद उस ज़मीन को फिर से हमने केवाला करवाया, और केवाला करने के बाद भी और अभी भी हमको चलने में रास्ता जो है, हमको हमारे पास इतना नहीं है कि हम गाड़ी लेकर के अंदर जा सकें, इतना जगह हमारे पास नहीं है कि हम गाड़ी अंदर तक ले जा सकें। अच्छा, जिस जमीन को आपने जिस मालिक से केवाला कराया था उसी से समीर ने भी केवाला करवाया था? जी जी, उसी से इन्होंने भी करवाया। अच्छा, तो दोनों आदमी, आप दोनों पार्टनर मिलकर जो है जमीन लिया जी सर, जी सर। उसके बाद आप लोगों की चलने के लिए तकलीफ है? जी सर, जी सर। ये चलने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या है? बस साइड से, उत्तर साइड से थोड़ा सा मिला हुआ है सर, और उत्तर साइड से चलते हैं, अगर कभी कोई मेहमान आ गया फिर भी दिक्कत है आने जाने में। अच्छा, केवाला पे आपने जब लिए थे जी सर, तो रास्ता का जिक्र किया गया था उसमें? जी सर, रोड दर्शाया हुआ है, रोड दर्शाया हुआ है सर। उसके बाद भी वो लोग कब्जा किया हुआ है? जी सर। तो अब क्या हुआ है, आपने कहीं आवेदन दिए, कुछ किए? हमारे पास नोटिस आया CO साहब का, आपको कोर्ट में बुलाहट है, नोटिस मिला, हम नोटिस पे अभी आए हुए हैं जी, फिर से तारीख मिला है, 13 तारीख को फिर बुलाए हैं, 13 तारीख को आप आएंगे, कागज़ मांग किया गया था, हमने सारा कागज़ को जमा कर दिया है। अच्छा, इसमें आपका जो पार्टनर समीर है उससे कोई मतभेद या लड़ाई भी है? नहीं सर, कोई मतभेद, कोई लड़ाई नहीं है किसी से हमारी, आज तक किसी से भी गांव में लड़ाई नहीं है। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सर। तो फिर ये जो साहू जी जो है आपको रास्ता रोका है, तो उसमें आप दोनों मिलके आवेदन दिए हैं या फिर? जी, ये आवेदन जो है CO साहब की तरफ से ही सर हुआ है। अच्छा, ये आवेदन जो है समीम जी दिए, और नोटिस हम तीनों पे आए, उसके बाद हम लोग जो है ब्लॉक पहुंचे, ब्लॉक में डिसाइड हुआ कि आप लोग आपस में मिलकर के इस मामले को क्लोज कर लीजिए जी, ठीक है ना। लेकिन अगला पार्टी जो है वो नहीं मानने को तैयार हुआ, फिर ये मामला जो है CO साहब जो है कोर्ट में डाल दिए, कोर्ट में आज बुलाया गया है, तो सारा पेपर लेकर के हम सारा पेपर को दिए हैं सर, फिर 13 तारीख का डेट पड़ा है, तो मेरा यही कहना है कि आपस में अगर मिल जाते तो बात ही खत्म। अच्छा, देखिए इसमें बता दें, जो इसमें इन लोगों का जो आपसी मतभेद था, पहले जनता दरबार में आवेदन दिया गया इस जमीन को लेकर के, जनता दरबार में जब नहीं सुलझा मामला तो CO साहब ने कोर्ट को भेज दिया, अब कोर्ट में ये मामला है, क्योंकि CO साहब चाहा जो आपसी सहमति से मामला निपट जाए, लेकिन नहीं निपटा, तब जाकर के इसको जो है कोर्ट में भेजा गया है, अब 13 तारीख का डेट पड़ा है, अब उसमें देखना है क्या होता है, आपसी समझौता और सहमति से ये मामला निपट जाता है या फिर आगे बढ़ेगा या तारीख पे तारीख पड़ेगा, ये अब तो 13 तारीख की इंतजार है, 13 तारीख को ही पता चलेगा जो आखिर क्या होता है। तब तक आप लोग बने रहिए, फिर दिखाएंगे। और एक चीज़ ज़रूर बता दें, अगर कहीं भी ज़मीनी विवाद अगर है आप लोगों का, तो कोशिश कीजिए आपस में समझा बुझा के सुलझा लें, जैसे हो वैसे आपस में निपटारा कर लें, अगर कोर्ट कचहरी का आप चक्कर पड़ता है तो काफ़ी सारा लंबा समय भी खिंचाता है, और आना है बाद
में फिर फैसले पे ही, लेकिन उसमें होता है क्या, समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, आपसी मतभेद होगा, लेकिन आखिरी में फिर आपको आना है समझौता पे। इससे बेहतर और अच्छी बात है जो अगर आपस में बैठ के समझौता कर लें तो वो बेहतर होगा, पंचायत के स्तर से या ग्राम के स्तर से कर लें तो ये बेहतर होगा। खैर आपकी विचार, आपका समझ, हमारा जो काम था उतना हम आपने बताया और आपको दिखाया। अब बने रहिए, अगले 13 तारीख को फिर मिलेंगे और देखते हैं आखिर इस मामला में होता क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।